दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक नई और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों यहां पर जो भारतीय टीम है वो विंडीज खिलाफ अभी खेल रही ओडीआई और टेस्ट मैच, इसके बाद जो साउथ अफ्रीका की टीम है वो आने वाली है भारत, जहां पर तीन टी20 मैच खेले जाने वाले हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं तीन टी20 मैचों के लिए भारतीय टीम का क्या स्क्वाड रहने वाला है, यानी कौन कौन से खिलाड़ी को मौका दिया जाने वाला है। दोस्तों कौन से वो खिलाड़ी, हम पूरी बातचीत करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों बात करें इस सीरीज की, तो ये सीरीज होने वाली तीन टी20 मैचों की, जहां पर 15 सितंबर से शुरुआत होने वाली इस सीरीज की, जहां पर काफी अनुभवी दिग्गज खिलाड़ियों को मौका दिया जाने वाला है। जहां पर जो महेंद्र सिंह धोनी है वो वापसी करने वाले हैं, जो कि अभी भारतीय सेना के साथ, और वहीं जो जसप्रीत बुमराह वो वापसी करने वाले हैं जिन्हें रेस्ट दिया गया। वहीं जो हार्दिक पांड्या हैं वो भी वापसी करने वाले हैं, जो कि रेस्ट के चलते अभी बाहर हैं भारतीय टीम से। अब दोस्तों बात करें वो कौन से 15 सदस्यीय खिलाड़ी हैं जिन्हें मौका दिया जाने वाला है साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 के मैचों में। बात करें हम बल्लेबाजों की, तो यहाँ पर जो रोहित शर्मा उनको मौका दिया जाने वाला है, शिखर धवन खेलने वाले हैं, विराट कोहली कप्तानी करने वाले हैं और साथ ही केएल राहुल को मौका दिया जाने वाला है। तो इन बल्लेबाजों को मौका दिया जाने वाला है। अब बात करें हम विकेट कीपर की, तो यहाँ पर ऋषभ पंत को मौका दिया जाने वाला है और साथ ही महेंद्र सिंह धोनी वापसी करने वाले हैं। अब बात करें हम ऑलराउंडर की, तो यहाँ पर जो कुणाल पांड्या उनको मौका दिया जाने वाला है, साथ ही हार्दिक पांड्या वापसी करने वाले हैं और साथ ही रविंद्र जडेजा को फिर से मौका दिया जाने वाला है। तो इन ऑलराउंडर को मौका दिया जाने वाला है। अब बात करें हम बॉलर की, तो यहाँ पर जो भुवनेश्वर कुमार खेलने वाले हैं, साथ ही कुलदीप यादव खेलने वाले हैं और साथ ही यूजी चहल खेलने वाले हैं, दीपक चहल को मौका दिया जाने वाला है और साथ ही जसप्रीत बुमराह वापसी करने वाले हैं। तो इस प्रकार का स्क्वाड रहने वाला है भारतीय टीम का। दोस्तों यहाँ पर जो जसप्रीत बुमराह हैं वो वापसी करने वाले हैं, जो कि काफी घातक गेंदबाज हैं। साथ ही हार्दिक पांड्या वापसी करने वाले हैं, जो कि काफी अच्छे ऑलराउंडर, वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था इन्होंने। साथ ही महेंद्र सिंह धोनी हमें वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये रहा 15 सदस्यीय स्क्वाड जो कि टी20 के मैचों के लिए हो सकता है। अब दोस्तों आपको क्या लगता है और कौन कौन से खिलाड़ी को मौका दिया जाना चाहिए, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, और चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।